वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। सबसे पहले एक आवश्यक सूचना, अगर इस बार आप बिहार एपीओ मेंस 2022 के कैंडिडेट हैं तो मोस्ट वेलकम, आइए हमारे साथ मिलकर आप अपने सपने को साकार कीजिए। हम लोग इस बार माइनर एक्ट्स की क्लासेज हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और आईपीसी का सारा सीरीज बन के तैयार है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उन सीरीज को। मुझे भरोसा है कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। एविडेंस एक्ट का भी सीरीज चल ही रहा है, तो आईपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, आपका माइनर एक्ट्स की क्लासेज आपको मिल ही रही हैं, सीआरपीसी के भी कुछ सेलेक्ट टॉपिक्स पढ़ाने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिस टाइम टू फुलफिल योर ड्रीम। और अगर इनकेस आप कैंडिडेट नहीं हैं और अगर आपकी जानकारी में कोई भी आपके जैसे बैचमेट, फ्रेंड्स, जूनियर, सीनियर, अगर बिहार एपीओ मेंस 2022 के वो लोग अगर कैंडिडेट हैं तो उन तक ये वीडियो को पहुंचा दीजिए। स्क्रीन पे मेरा नंबर लिखा हुआ 9262810582, उस पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर, और नीचे जरूर लिखिएगा बिहार एपीओ मेंस, आपको इस फ्री क्लासेज में ऐड कर दिया जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। चूंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस कर रखा है कि एविडेंस एक्ट सीरीज एग्जाम से पहले तक कंक्लूड कर दूंगा, हम लोगों की मैक्सिमम कैपेसिटी वन वीडियो डेली मैक्सिमम, वो भी बड़ी मुश्किल से ही हो रहा, तो एक वीडियो में काफी टाइम लगता है। तो ये जो सेक्शन 60 है, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, उसको उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया, वो आप खुद भी कर सकते हैं किताबों से पढ़ के, उसमें कुछ खास नहीं है। बाद में मुझे समय मिलेगा तो मैं उस पर भी बना दूंगा वीडियो, लेकिन अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये स्टूडेंट्स को समझने में ये जो सेक्शंस हैं 61, 62, 63, 64, ये सारे सेक्शंस काफ़ी इशूज होते हैं और अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं हो पाती, तो इन्हीं चीज़ों को आज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे पहले मैं पढ़ा दूं। देखिए, डॉक्यूमेंट पे हम लोगों ने वीडियो बना रखा है और डॉक्यूमेंट, अब जैसे हमने यहाँ कोड कर रखा है LFM, लेटर फिगर मार्क, एनीथिंग रिटन अपॉन एनी सब्सटेंस बाय लेटर फिगर मार्क। तो कोडिंग डिकोडिंग में हर वीडियोज में बताता हूँ, अगर इस तरह से अगर आप कुछ याद करेंगे तो कुछ मिस नहीं होगा। अब आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, तीन चीजों से लिखी होनी चाहिए बाय वे ऑफ थ्री मींस। अब लेटर फिगर, अब मार्क्स आपको याद नहीं आ रहा किसी कारण से, तो ये सारी अगर ऐसा करके आप अपनी तैयारी करें तो कुछ भूलने के चांसेस कम होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हम लोग बातों बातों में, लिखत में क्या है, लिखत में है कुछ, क्यों ऐसा हम लोग बोलते हैं, तो लिखत में बिकॉज ए डॉक्यूमेंट कैन नॉट टेल ए लाई। डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोल सकता, इंसान झूठ बोल सकता, इंसान झूठ क्या फायदे और नफे नुकसान के मद्देनजर अगर मैं बोल लूं, द इवन द कंसाइंस इज आइदर एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड आइदर ड्यू टू एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इंसान तो अपने फायदे के लिए पता ना क्या क्या करेगा। तो जो ओरल एविडेंस है वो उतना रिलायबल और स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता अगर उसकी जगह पे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट इज बेस्ड अपॉन बेस्ट एविडेंस रूल, अगर एक ही चीज का कोई चीज राइटिंग में है और उसी चीज को कोई विटनेस आके बोले तो राइटिंग वाला बेस्ट पीस है। और यही सारी चीजें कोर्ट ने भी कई सारे जजमेंट में एक्सप्लेन किया। तो आप बस ये लॉजिक को समझ ले, आपको लॉ में सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें समझनी है, ये छोटी छोटी चीजें इतनी छोटी छोटी हैं, कहा जाता है स्मॉल थिंग्स मेक ह्यूज डिफरेंस। अगर इन छोटी छोटी चीजों को आप समझ जाएंगे तो आपका रिजल्ट 1001% गारंटीड होगा। आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दें,
कहीं का कोई भी एग्जाम दें, परफॉर्मेंस आपका बेहतर होगा। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज बेस्ट अपॉन बेस्ट एविडेंस। हमने केस लिख दिया है मेंस पर्पस से, अफजाउद्दीन अंसारी वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें यही सारी चीज़ें कही गई थी। वीडियो को पॉज करिए, कंटेंट आप नोट कर लीजिएगा, मैं उस टाइम उसमें ज़्यादा नहीं लगा रहा। सेक्शन 61, प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आप देखिए ये जो तीन पॉइंट लिखा हुआ है, इन तीनों पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, हाउ द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट आर टू बी प्रूव्ड। तो सो फार एज प्रूविंग द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया, तो ये डॉक्यूमेंट पे जो लिखा हुआ कंटेंट्स, तो इन कंटेंट्स, अरे डॉक्यूमेंट को कोर्ट ने क्या करना है, डॉक्यूमेंट में जो चीजें लिखी हुई है, राइट लाइबिलिटी अराइज होती है, उन्हीं को देखना। तो सो फार एज प्रूविंग द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट दिस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 61 to 66, हाउ द डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रूव्ड, वेदर ए डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल और नॉट एडमिसिबल, दैट इज डेल्ट अंडर सेक्शन 67 to 90, हाउ फार एंड इन वट केसेज ओरल एविडेंस इज एक्सक्लूडेड बाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो इसका जो सेक्शन है 91 से लेके 109 तक, ये हम लोग करेंगे आगे को आने। तो ये तीन वाइटल चीजें, इनको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे समझने में आपको काम आएगा काफी। अब नाउ प्राइमरी एविडेंस हम लोग सुनते हैं, प्राइमरी फैक्ट क्या है, सेकेंडरी फैक्ट क्या है, प्राइमरी इशू क्या है, प्राइमरी टारगेट क्या है, उसी तरह से प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो तरीके का होता, एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या नहीं है, अगर ओरिजिनल है तो डेट इज प्राइमरी, और ओरिजिनल नहीं है तो सेकेंडरी। लेकिन ऐसे मैं रफली आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि प्राइमरी एविडेंस मतलब ओरिजिनल या ओरिजिनल ऐसा ऑथेंटिक, कुछ और होना चाहिए। तो ये प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो ये जल्दबाजी में सेक्शन 61 छूट गया मेरे से लगता है। मैं पहले बैक हो रहा हूँ, 61 पे आ रहा हूँ मैं। 61, प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने के, उसे प्रूव करने के दो ही मोड है, कोई तीसरा मोड नहीं है, आइदर बाय वे ऑफ प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। सेक्शन 61, डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय नो अदर वे, इट कैन बी प्रूव्ड ओनली आइदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। ये पहला पॉइंट, ये जो आप लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, और इसको मैंने लाल पेन से लिखा है, देर इज नो अदर मेथड टू प्रूव द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होना चाहिए, ये इसने गलत टाइप कर दिया, एक्सेप्ट आइदर बाय, ऐसा जल्दबाजी में हो रहा है तो रिवाइज भी नहीं हो पाता कि क्या टाइप हुआ है, एक्सेप्ट आइदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। अब आ जाते हैं हम लोग प्राइमरी एविडेंस में, वो किसे कहते हैं, आपको यही समझना है प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस। और इसमें पिछले कई सालों से मुझे, आज तक ज़्यादा हो जाएगा लेकिन आप समझिए, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जिसकी कंसेप्चुअलिटी क्लियर हो प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में। वीडियो को आप देखिए और वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कंसेप्चुअलिटी में कोई इशू, कोई दिक्कत, अगर इशू या दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए मीनिंगफुल और पर्पसफुल वीडियोज बना सकें। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, मुझे अपनी तारीफ उतनी अच्छी नहीं लगती, तारीफ इज इमेटेरियल। अगर इन वीडियोज में कोई कमी हो आपके पर्पस के लिए तो जरूर बताएंगे, और मैं दुआ कीजिए मैं उन कमियों को हमेशा दूर करता रहूं, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो
थोड़ा केयरफुली हम लोग करते हैं, प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ. व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इटसेल्फ? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ पोर्ट, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाया गया. अब दो एक्सप्लेनेशंस देकर आपको समझाया हुआ है कि प्राइमरी एविडेंस क्या होगा. कंफ्यूज मत होइएगा, बच्चे लोग पूछते हैं कि सर प्राइमरी एविडेंस क्यों लिखा हुआ है और प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं लिखा हुआ है. तो ये जो प्राइमरी एविडेंस इसलिए लिखा हुआ है कि सेक्शन 61 से 66 इट डील्स विथ प्रूविंग द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट. आप उस कंटेंट्स को किस तरह का एविडेंस देकर प्रूव करते हैं, या तो ओरिजिनल देके प्रूव करते हैं या आपके पास ओरिजिनल नहीं है. तो द मीन्स ऑफ प्रूविंग द डॉक्यूमेंट देयरफॉर इट इज नॉन एज प्राइमरी एविडेंस. तो प्राइमरी एविडेंस में पहली चीज जो हमने सीखी कि डॉक्यूमेंट इटसेल्फ मीन्स देयर बाई कि ओरिजिनल. एक्सप्लेनेशन वन, व्हेन ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट. अब देखिए हमने कुछ लिखा भी है इसके लिए. प्राइमरी एविडेंस मीन्स द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट वेयर ए जजमेंट ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश वॉज ट्रांसलेटेड इन टू उर्दू एंड द जज साइन द ट्रांसलेशन. इट वॉज हेल्ड डेट इट वॉज ए प्राइमरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स. हम इस पे आएंगे. The first part of explanation of section refers to what are known as duplicate, triplicate, or like original. Sometimes it is convenient that each party to transaction should have a complete document in his possession. To fulfill this purpose, the document is written as many times as there are parties, and each document is signed by all the parties. अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये एक्सप्लेनेशन वन को समझने के लिए मैं इसको नीचे ही लिखता हूं यहां पे एक्सप्लेनेशन वन. यस, ये एक्सप्लेनेशन वन इसको लेके चलिएगा और ये देखिए एक्सप्लेनेशन वन बेयर एक्ट में क्या कह रहा. Where a document is executed in several part, each part is primary evidence of the document. अब मान लीजिए कि तीन parties हैं, A plus B plus C, इनके बीच कोई agreement होता है. इस agreement की तीन copies बनाई गई, triplicate. Each copies, ये ओहो, each copy is signed by parties. तो ये तीनों के तीनों प्राइमरी एविडेंस हो जाएंगे इफ साइंड बाय द पार्टी. अब मान लीजिए एक ओरिजिनल है, इसका फोटोकॉपी हमने करा और पार्टी ने साइन किए उन फोटोकॉपीज पे, तो ये तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होंगे क्योंकि पार्टी का साइन हो गया. एंड दीज थ्री डॉक्यूमेंट will be considered as primary evidence against each other. Parties के अगर sign नहीं होते तो ये primary evidence नहीं हो. अब मान लीजिए कि original पे parties के sign है और उसकी photocopy आपने करा ली, तो वो primary evidence नहीं होगा, वो secondary evidence हो. अगर signature original है, पार्टीज ने साइन किया,
अगर मान लीजिए फोटो कॉपीज हमने निकाला किसी फॉर्मेट का, ये मान लीजिए फोटो कॉपीज है, पहले तो ऐसे देखें ये फोटो कॉपीज है, इसमें दो पार्टी है ए प्लस बी, ये डॉक्यूमेंट फोटो स्टेट करा लिया, मान लीजिए कोई एग्रीमेंट कुछ भी है, ए और बी दोनों ने अपने सिग्नेचर इस पे किया, विल दिस बी प्राइमरी डॉक्यूमेंट, विल दिस बी पार्ट ऑफ प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस, विल दिस बी ओरिजिनल और वॉट, अगर फोटो कॉपी पे साइन पार्टीज के होते हैं तो डेट वुड बी ओरिजिनल। तो यहाँ जो स्टूडेंट लोग को दिक्कत होती है, वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट, मतलब सेवरल पार्ट कहने का मतलब कि एग्रीमेंट बहुत बड़ा है, 45 पेजेस का एग्रीमेंट है, 15 पेज एक पार्ट में, दूसरे 15 पेज दूसरे पार्ट में, तीसरे 15 पेज तीसरे, तो दिस इज नॉट द वे, दिस इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, दिस इज द रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे मीनिंग हेयर इज ऑफ सेवरल पार्ट, इसको और सेवरल पार्ट मीन्स दैट इज काउंटर पार्ट। अब जैसे पार्टीशन डीड, कंप्रोमाइज डीड, एग्रीमेंट, अगर चार पार्टी हैं, चार सेट उनके बनाए जाते हैं और सारी पार्टी उस पे अपने ओरिजिनल साइन करती हैं, तो डेट इज नॉन एज सेवरल पार्ट, ये सारे के सारे ओरिजिनल हो जाएंगे, और ये अगर साइन किए हुए पार्टीज के ओरिजिनल साइन किए हुए कोर्ट में अगर दिए जाएंगे तो इनको प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। दिस इज वन। आगे है, वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज ओनली, ईच काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग इट। अब ये तो वन हो गया आपका, समझ गया। अब दूसरे को समझते हैं, दूसरे को नीचे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा स्पेस बनाते हुए। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये लीज डीड है, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल, और ये फोटो कॉपी है, इस फोटो कॉपी पे किराएदार के साइन है, लीज डीड रेंट एग्रीमेंट मान लीजिए, साइन ऑफ टीनेंट, टीनेंट ने साइन करके ये डॉक्यूमेंट दे दिया लैंडलॉर्ड को, ये ओरिजिनल है रेंट डीड, इस पे लैंडलॉर्ड ने साइन करके ये इसको दे दिया टीनेंट को, तो ये टीनेंट का साइन किया हुआ ओरिजिनल लैंडलॉर्ड के पास है, तो ये टीनेंट का साइन किया हुआ जो फोटो कॉपी पे टीनेंट ने ओरिजिनल साइन किया और ये लैंडलॉर्ड के पास है, तो ये डॉक्यूमेंट इट वुड बी कंसिडर्ड एज ए प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट द टीनेंट, और उसी तरह से लैंडलॉर्ड ने जो साइन करके दिया टीनेंट को, तो ये डॉक्यूमेंट टीनेंट के लिए शैल बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड। तो काउंटर पार्ट में जिसने साइन किया, जिसने साइन करके दिया, तो उसका साइन ओरिजिनल है, तो उसके खिलाफ वो प्राइमरी एविडेंस के तौर पे माना जाएगा ओरिजिनल, बिकॉज साइन उसका ओरिजिनल है, साइन का फोटोकॉपी नहीं है उस पर। तो ये हम लोगों को समझना है। अब देखिए इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं। आपका ये चेकबुक है, मुझे थोड़ा फोटो वगैरह नहीं बनाने आता, आप लोग हंसिएगा मत, मुझे ड्राइंग मेरी बहुत ही खराब है, मैं बनाऊंगा तो कुछ और ही बन जाएगा, डोंट लाफ प्लीज। तो ये आपकी चेकबुक है, चेकबुक की काउंटर फाइल भी होती है, आपने चेक साइन करके दे दिया, ठीक है, चेक साइन करके आपने किसी आदमी को दे दिया, बियरर जो भी है, तो
इस बियरर के हाथ में ये आपका ओरिजिनल सिग्नेचर, इट बिकम्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, प्राइमरी एविडेंस। आपने इसको चेक दिया, इसे प्रूफ के तौर पे इसके काउंटर फाइल पे, चेक में जो काउंटर फाइल होती है, इसके साइन करा लिया। तो ये जो साइन है, दिस डॉक्यूमेंट विल बी प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट द बियरर। ये दो चीजें आपको समझनी है और इन्हीं चीजों को मैंने इसमें नोट डाउन किया है। ये डॉक्यूमेंट्स इन सेवरल पार्ट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसको आप पढ़ के थोड़ा सा बताया। ये थोड़ा सा टेक्निकल है। अब यूट्यूब पे तो वन वे कम्युनिकेशन है, लाइव क्लासेज में आप पार्टिसिपेट करेंगे, पूछेंगे, आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो थोड़ा बेहतर समझ में आता है। अब यूट्यूब पे तो मैं ही सिर्फ बोल रहा हूँ, आपकी क्वेरीज थोड़ा अंतर तो हो जाता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ये आपको क्लियर हो। अब जैसे देखिए, डॉक्यूमेंट इन सेवरल पार्ट्स, दे आर थ्री पर्सन्स ए बी एंड सी, दे पार्टीशन देयर प्रॉपर्टी इन थ्री इक्वल शेयर्स, पार्टीशन डीड इज टू बी एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड, ऑल ऑफ देम वांट टू हैव वन डॉक्यूमेंट विद देम, नाउ थ्री डीड्स ईच डिस्क्राइबिंग द डिस्टिंक्ट शेयर ऑफ द पार्टनर्स विल बी पेयर्ड एंड साइंड बाई ऑल एंड ईच वन ऑफ देम, ऑल द थ्री डीड्स विल बी ओरिजिनल। ये प्राइमरी, और ये जो साइन किया हुआ ओरिजिनल कोर्ट में दिया जाएगा, तो इस देने की प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे कि प्राइमरी एविडेंस दिया गया। दूसरा, ये आपका एक्सप्लेनेशन वन हो गया। एक्सप्लेनेशन टू, डॉ है ये आपका डॉक्यूमेंट्स इन काउंटर पार्ट्स, पार्ट सेकेंड ऑफ काउंटर पार्ट रह गया, यस सेकेंड पार्ट रह गया जल्दबाजी में, डॉक्यूमेंट इन काउंटर पार्ट, ये पार्ट टू जो आपका सेवरल पार्ट का, तो ये हो गया। और काउंटर पार्ट का क्या होगा, जैसे वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट एंड ईच काउंटर पार्ट इज एग्जीक्यूटेड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू द डीड। जैसे रेंट डीड आपको समझाया था कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूँ, द पर्सन ग्रांटिंग द काबिलियत यहीं पे बनाता हूँ आपके समझने के लिए, बढ़िया रहेगा। देखिए, वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट एंड ईच काउंटर पार्ट इज एग्जीक्यूटेड बाई वन ऑफ द पार्टीज टू द डीड, ईच काउंटर पार्ट इज ए प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी एग्जीक्यूटिंग इट एंड सेकेंडरी अगेंस्ट द अदर पार्टी। ए कॉमन इंस्टांस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन पार्ट इज पट्टा काबुलियत और मुचिल का, काबुलियत और मुचिल का एक ही होता है। कबूलियत मतलब कबूल करना, एक्सेप्ट करना। पट्टा लीज को बोलते हैं, लीज दिया गया, किराएदार ने उसे एक्सेप्ट किया, इसलिए उसको कबूलियत बोलते हैं, और उसी कबूलियत को उर्दू फारसी में मुचिल का भी बोलते हैं। कबूलियत उर्दू में बोलते हैं, फारसी में मुचिल का। इन दिस केस वन पार्टी सबलेट्स लैंड टू अदर, द पर्सन ग्रांटिंग द लीज एग्जीक्यूट्स ए डीड स्टेटिंग द टर्म्स ऑफ द लीज कॉल्ड पट्टा, द पर्सन एक्सेप्टिंग द लीज एग्जीक्यूट्स ए डीड कॉल्ड कबूलियत एक्सेप्टिंग ऑल द टर्म्स ऑफ द पट्टा। इन दिस केस द पट्टा इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द लेसर बिकॉज ही एग्जीक्यूट्स इट लीज। अब इसको समझते हैं, एंड द कबूलियत इज प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट द लेसी। अब मान लीजिए काउंटर पार्ट, ये आपका पट्टा है, ठीक है, और ये आपका यही डॉक्यूमेंट है, इसी की कॉपी है, या तो एज इट इज टाइप कर दिया गया है, कंप्यूटर कंप्यूटर से प्रिंट आउट, दो प्रिंट आउट निकाल लिए, या एक ओरिजिनल पट्टा है, मतलब पट्टा आप समझिए रेंट एग्रीमेंट। दो सिचुएशंस हो सकती हैं। रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट है, पार्टीज का नाम एड्रेस भर के कंप्यूटर से उसके दो ओरिजिनल निकाल लिए गए, या कंप्यूटर से एक ही ओरिजिनल निकाला गया और उस ओरिजिनल से एक दूसरी फोटो कॉपी करा ली गई। तो चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तो एक पार्ट जो है पट्टा, रेंट एग्रीमेंट पट्टा से कंफ्यूज मत होइएगा, इस पे लैंडलॉर्ड ने साइन कर दिया,
लैंडलॉर्ड साइन करके किसको देगा? किराएदार को। रेंटर ने इस पे इसी डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया, लीज डीड को एक्सेप्ट किया, रेंट एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया, इसने इस पे साइन कर दिया, ये किसको देगा? लैंडलॉर्ड को। तो काउंटर पार्ट में ये इस पे लैंडलॉर्ड का साइन है, तो दिस डॉक्यूमेंट बिकम्स ओरिजिनल अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड बिकॉज इट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ लैंडलॉर्ड एंड दिस डॉक्यूमेंट, यहाँ पे रेंटर के साइन होते हैं, तो दिस बिकम्स ओरिजिनल अगेंस्ट द रेंटर, क्योंकि इसके ओरिजिनल साइन है। इसको आप कई तरीके से समझ सकते हैं, समझाने का मतलब कि जिसने अपना साइन ओरिजिनल किया है वो डॉक्यूमेंट उसके खिलाफ ओरिजिनल माना जाएगा, और वो डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है तो उस प्रोडक्शन को, उस डॉक्यूमेंट को देने को, उस एविडेंस को हम लोग प्राइमरी एविडेंस कहेंगे। तो दोनों हो गया आपका, एक सेवरल पार्ट, सेवरल पार्ट में तीन कॉपीज बनी, सेवरल पार्ट में तीन कॉपीज बनी और तीनों कॉपीज पे पार्टी ने अपने अपने ओरिजिनल साइन कर दिया, तो दिस वन इज सेवरल पार्ट। काउंटर पार्ट, दो कॉपी बनी, इसने साइन करके इसको दे दिया ये वाला, इसने इसको साइन करके इसको दे दिया, तो दिस टू बिकम्स काउंटर पार्ट। आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब तो इन सारी चीज़ों के लिए यूट्यूब बेहतर प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने का, अगर आप समझ जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, और संकोच मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा ये मिशन है। मेरा भी कोचिंग है, हमें बाकी कोचिंग वाले कहते हैं कि सर ये सीरीज में आप वीडियो डाल रहे हैं, आईपीसी की सारी सीरीज कर दी, एविडेंस एक्ट कर रहे हैं। आप ये बताइए साहब कि आईपीसी पढ़ने कोई स्टूडेंट आपके पास आएगा या हमारे पास आएगा? आप तो अपना सत्यानाश कर ही रहे, हमारा भी कर रहे, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई ये धंधे का सत्यानाश करना ही हमारा मिशन है, और करेंगे, सारे सब्जेक्ट का करेंगे। एनीवे बहुत बड़ा मिशन है आज के जमाने में, ये कहना कि एजुकेशन बी नॉट कमर्शियलाइज्ड नामुमकिन तो नहीं, लेकिन आसान भी नहीं है, हमने ठान रखा है। मैं ही बोलता हूँ नामुमकिन कुछ भी नहीं, अगर ठान लीजिए। खैर एनीवे आप बताएंगे जरूर। नेक्स्ट उसी तरह से चेक का है, जो एक्सप्लेनेशन टू जो है, डॉक्यूमेंट जो है अगर यूनिफॉर्म प्रोसेस है, मतलब एक ही प्रोसेस है, वेयर ए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी, ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द रेस्ट, बट वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ ए कॉमन ओरिजिनल, दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल। इसको समझाने के लिए मैं यहीं पे स्पेस बनाऊंगा, और चूंकि वो चीज़ें चली जाएंगी, अब हाथ से लिखा हुआ मैं कोशिश करता हूँ, अगर ये होगा तो फिर बैक करूँगा कंट्रोल जेड करके, चेक कर लें इधर तो ठीक है, नहीं कुछ डिस्टर्ब हुआ। ऑल राइट, हाँ अब देखिए आपके सामने है एक्सप्लेनेशन टू। न्यूज़पेपर प्रिंट होता है आप, राइट, एक यहाँ पे उसका मेन प्रूफ लगा हुआ है और इसी से प्रिंट होता है, एक बार में कई हजारों हजार कॉपीज निकलती हैं, तो उन कॉपीज में से मान लीजिए ये सारे कॉपीज हैं, ये सारे न्यूज़पेपर हैं, सो ऑन, ये अनगिनत हो सकता है। तो ये जित, अब इंक यहाँ पे थोड़ा चेंज करूँ, ये जितने सारे कॉपीज हैं, ये सारे कॉपीज आपस में बस इतने, ये सारे के सारे कॉपीज एक दूसरे के लिए ओरिजिनल, क्योंकि यूनिफॉर्म प्रोसेस, जिस प्रोसेस से ये प्रिंट हुआ उसी प्रोसेस से ये हुआ, उसी प्रोसेस से ये सारे प्रिंट हुए हैं,
तो ये आपस में जितने भी ये प्रिंट हुए ये आपस में एक दूसरे के लिए ओरिजिनल हैं और इनको दिया जाएगा तो ये प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। लेकिन अब फिर इंक थोड़ा चेंज करूं आपको बेहतर समझाने के लिए, लेकिन एक ये कॉपी और ये कॉपी जिसे ये बना है ये दोनों आपस में ओरिजिनल नहीं होंगे क्योंकि इसका ये कॉपी है। तो उसी चीज को लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन टू में, वेयर ए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग लिथोग्राफी फोटोग्राफी ई चीज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द रेस्ट। ये जो है ये जितने सारे हैं कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट इज प्राइमरी एविडेंस बट वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ ए कॉमन ओरिजिनल। तो ये कॉमन ओरिजिनल है, ये कॉपीज है टू द कंटेंट्स ऑफ कॉमन ओरिजिनल, तो दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस। इसी को मैं समझा रहा था कि इससे कॉपी की गई है तो इसके साथ और इनके साथ ये जब इससे हम तुलना करेंगे तो ये नॉट प्राइमरी एविडेंस, लेकिन ये सारे आपस में प्राइमरी एविडेंस होंगे। और इसी चीज को इलस्ट्रेशन में समझाया हुआ है। ए पर्सन इज शोन टू हैव बीन इन पोजीशन, ए पर्सन इज शोन टू हैव बीन इन पोजीशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ प्ले कार्ड्स ऑल प्रिंटेड एट वन टाइम फ्रॉम वन ओरिजिनल। एनी वन ऑफ प्ले कार्ड इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एनी अदर। अब मान लीजिए कि ये ओरिजिनल है इस इलस्ट्रेशन के मुताबिक और इसकी 10 कॉपी हमने किसी यूनिफॉर्म प्रोसेस से कर ली, 10 कॉपी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 की 10 कॉपी ये आपस में प्राइमरी एविडेंस हो जाएंगे। लेकिन ये 10 एक तरफ और ये एक तरफ इन, तो चूंकि ये जो है इसकी कॉपी है तो ये और ये आपस में प्राइमरी नहीं सेकेंडरी होंगे बिकॉज कॉपी। और इसी चीज को हमने लिखा है यहाँ पे आगे। एक्सप्लेनेशन टू टू सेक्शन 62 लेज डाउन डेट व्हेन ए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस सच एज प्रिंटिंग और फोटोग्राफी ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द अदर बट दीज कॉपीज विच आर प्रिपेयर्ड बाय द सेम यूनिफॉर्म प्रोसेस ऑफ ए कॉमन ओरिजिनल आर नॉट प्राइमरी एविडेंस एज द कंटेंट ऑफ इट्स ओरिजिनल। उसी को समझाया है एज द इलस्ट्रेशन पॉइंट्स आउट मेड बाई वन यूनिफॉर्म प्रोसेस। तो मेड बाई वन यूनिफॉर्म प्रोसेस तो मीन्स मेड और प्रिंटेड एट वन टाइम फ्रॉम वन ओरिजिनल। फॉर इंस्टांस इफ इट इज डिजायर टू प्रूव द पब्लिकेशन ऑफ ए लाइबल, मान लीजिए न्यूज पेपर में कोई डिफेमेटरी कंटेंट छप गया तो एनी कॉपी ऑफ द इशू उस न्यूज पेपर का कोई भी कॉपी इन विच द लाइबल अपियर्ड वुड बी प्राइमरी एविडेंस ऑफ द पब्लिकेशन इन ऑल द अदर कॉपीज ऑफ दैट इशू। इसको मैं ये आपके लिए सोच के हमने लिखा है, इस लाइन को एक दो बार आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बट इफ इट वेर नेसेसरी टू प्रूव द ओरिजिनल लाइबल फ्रॉम विच द आर्टिकल वॉज सेटअप, उसी को मैं समझाया था। ओरिजिनल लाइबल जैसे अब ये ओरिजिनल लाइबल है और इसे यूनिफॉर्म प्रोसेस से हजारों हजार कॉपी निकले तो ये हजारों हजार कॉपी और ये ओरिजिनल लाइबल ये आपस में प्राइमरी एविडेंस नहीं होंगे। तो उसी चीज को बट इफ इट वेयर नेसेसरी टू प्रूव द ओरिजिनल लाइबल फ्रॉम विच द आर्टिकल वॉज सेटअप द प्रिंटेड पेपर वुड नॉट बी प्राइमरी बट ओनली सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द मैनुस्क्रिप्ट एंड एडमिसिबल ओनली अंडर द कंडीशन विच स्टैंडर्ड द रिसेप्शन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल। इसको भी मैं हाईलाइट कर दूं इसको। ये थोड़ा सा बच्चे लोगों को तंग करता है, टीचर को भी परेशान करता है समझाने में, बच्चे को ही नहीं स्टूडेंट को ही नहीं। ये सारी चीजें इसमें एक केस है गुरु मूर्ति पत्रा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो कार्बन कॉपीज आर कंसिडर्ड
एज ओरिजिनल प्राइम। आप देखते हैं थाने वाने में या कहीं और डॉक्यूमेंट में कार्बन कॉपी क्यों लोग हाथ खराब करते हैं? बिकॉज कार्बन कॉपी इज एडमिसिबल एज द प्राइमरी एविडेंस। कैश मेमो में कार्बन कॉपी लगती है तो डेट इज एडमिसिबल एज द प्राइमरी एविडेंस। तो कार्बन कॉपीज, ये कार्बन लग गया ऐसे और ये कार्बन लगा के एक ही प्रेशर से होता है, और इस केस में गुरु मूर्ति पात्रा के केस में इसी चीज को कोर्ट ने डिस्कस किया और एक्सप्लेन किया। कार्बन कॉपीज प्रोड्यूस बाई टाइप राइटर्स में फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज बी रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट दो द इम्प्रेशन ऑन द लोअर शीट्स आर लाइकली टू बी इम्परफेक्ट। अब कार्बन कॉपी आपने कितना प्रेशर लगाया कितना नहीं लगाया, दे आर प्रोड्यूस्ड बट दे आर प्रोड्यूस्ड बाई द सेम स्ट्रोक विच मेक्स द सर्फेस इम्प्रेशन, तो इसको प्राइमरी एविडेंस मानेंगे। कैश मेमोज प्रिपेयर्ड इन द सेम प्रोसेस विथ कार्बन कॉपी एट द सेम टाइम आर ऑल्सो प्राइमरी एविडेंस। तो कार्बन कॉपी से आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि कार्बन कॉपी किसी चीज का है तो प्राइमरी एविडेंस होगा, सेकेंडरी आंसर इज प्राइमरी एविडेंस। मैं इनफैक्ट आज ग्रुप में कार्बन कॉपी क्वेश्चंस तो हमारे पास बहुत होते हैं, इतने होते हैं हम संभाल नहीं पाते अपने खुद के क्वेश्चंस काफी दिन से, तो अब नियम के तौर पे एक ही क्वेश्चन पूछना है। खैर एनीवे आगे हम लोग देखेंगे और प्लान करेंगे क्या करें कैसे करें। नाउ तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस के बारे में सेक्शन 63 में दिया हुआ। सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ये पांच चीजें याद कर लें। सर्टिफाइड कॉपीज गिवेन अंडर द प्रोविजंस, जहाँ सर्टिफाइड कॉपीज अलाउड हैं। कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाई मैकेनिकल प्रोसेस विच इन देमसेल्व्स इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपीज एंड कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपीज। तो दूसरा कि मैकेनिकल जैसे फोटोस्टेट हो गया, कॉपी ऑफ कॉपी इज नो एविडेंस, आगे हम लोग देखेंगे इसको। कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। अब मान लीजिए कि ये कोई चीज लिखा हुआ है, ये देख के आपने इस पेपर पे लिख लिया है, इट इज मिला लिया कि भाई ठीक है, तो दिस राइटिंग विल बी कंसिडर्ड एज द सेकेंडरी एविडेंस। चौथा काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। तो अब मान लीजिए कि ये रेंट एग्रीमेंट, इसको ऐसे लेते हैं, मान लीजिए कि ये दो रेंट एग्रीमेंट बना, इस पे लैंडलॉर्ड ने साइन करके दे दिया, इस पे रेंटर के साइन नहीं है तो रेंटर के लिए ये सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा, लेकिन लैंडलॉर्ड के साइन है तो लैंडलॉर्ड के लिए ये प्राइमरी एविडेंस रहेगा। तो उसी चीज को कहा जा रहा है काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। पांचवा ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाई सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। अब मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट कहीं खो गया, मिल नहीं रहा है, लॉस्ट, और हम क्या लिखा गया हमारी मौजूदगी में, तो मैं बता रहा हूँ, तो माई दिस स्टेटमेंट माई दिस एविडेंस विल बी कंसिडर्ड एज सेकेंडरी एविडेंस। इसको इलस्ट्रेशन से समझाया गया है। फोटोग्राफ है एन ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट दो द टू हैव नॉट बीन कंपेयर्ड इफ इट इज प्रूव दैट थिंक फोटोग्राफ वॉज द ओरिजिनल। तो फोटोग्राफ ऑफ एन ओरिजिनल वो सेकेंडरी, ये फोटोग्राफ है और उसे आपने कोई फोटो निकाल लिया फोटोग्राफ से, तो डेट वुड बी कंसिडर्ड सेकेंडरी एविडेंस। ए कॉपी कंपेयर्ड विथ कॉपी ऑफ लेटर मेड बाई कॉपिंग मशीन इज सेकेंडरी एविडेंस। सी है ए कॉपी ट्रांसक्राइब फ्रॉम ए कॉपी बट आफ्टरवर्ड्स कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, आपने देख के लिखा, ये समझाया आपको, सी तो भी सेकेंडरी एविडेंस। डी Neither an oral account of a copy compared with the original nor an oral account of a photograph or machine copy of the original is secondary evidence of the original। अगर लिखा गया और कंपेयर नहीं किया गया तो सेकेंडरी एविडेंस भी नहीं हो। अब इन चीजों को थोड़ा मैंने लिख दिया। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड बाई पब्लिक ऑफिसर, पहला। दूसरा कॉपीज विच आर मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाई मैकेनिकल प्रोसेस प्रिंटिंग लिथोग्राफी फोटोग्राफी विच इन देमसेल्फ एश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी एंड कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपीज। तो जब भी आप लिखे हैं तो कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपी छूट गया तो फिर नंबर कट जाएंगे। ये कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपी जरूर लिखना है। और एक केस है आंध्रा गवर्नमेंट ऑफ आंध्रा वर्सेज करी चिन्ना वेंकटा रेड्डी का,
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ए फोटो स्टेट कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल एज सेकेंडरी एविडेंस इफ इट इज प्रूव टू बी जेन्युइन इट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड एज टू व्हाट वेयर द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच द फोटो कॉपी वाज प्रेफर्ड एंड हु वाज इन द पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ फोटोग्राफ वाज टेकन। ये सेक्शन 65 में इसको और भी हम लोग देखेंगे। इट कैन बी परमिटेड टू बी गिवन इन एविडेंस व्हेन इट इज प्रूव दैट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाज इन द पोजीशन ऑफ एडवर्सरी। एक और केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस निर्मल सिंह का, तो इसमें एन अनसर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए गवर्नमेंट ऑर्डर कैन नॉट बी गिवन इन सेकेंडरी एविडेंस। अगर अनसर्टिफाइड कॉपी है तो इट कैन नॉट बी गिवन एज इवन एज ए सेकेंडरी एविडेंस। जनरली स्पीकिंग कॉपी ऑफ ए कॉपी इज नॉट एडमिसिबल एज सेकेंडरी एविडेंस। लाल पेंसिल। But the copies prepared by a mechanical process and copies of a copy compared with the original, तो comparing जरूर होना चाहिए। मैं इसको सारे को highlight कर देता हूँ, इसको जरूर note कीजिएगा। Copies made from compared with original, if a copy is paired word to word from the original, it is secondary evidence। चौथा, counterpart of a document as against the party who did not sign it, thus a patta will be secondary document against the lessee, क्योंकि lessee ने पट्टे पे नहीं साइन किया, landlord ने साइन किया है, as he did not execute it, and कबूलियत पे tenant ने साइन किया है, will be a secondary document against the landlord ने कबूलियत पे साइन नहीं किया, as he did not execute। पांचवा, oral account of content of a document given by a person who has himself seen the document, an oral account, a copy compared with is not a secondary evidence। तो oral account, the man who has seen the original document, तो वो दे सकता है if original is lost। तो ये थोड़ा सा technical है। live class होता तो हम लोगों का तो Google Meet पे होता है, वो discuss होता, कई सारे सवाल होते हैं, तो और भी बेहतर होता। तो आप इस वीडियोज को सुनिए, कोई डाउट है तो जरूर पोस्ट कीजिएगा, और हमारा संकल्प सफल हो। इतने बड़े मिशन को लेके चल रहा है, मैं इस बारे में और कुछ नहीं बोलूँगा। संकल्प है, इरादा है, कुछ ऐसा करने का करेंगे। दो सब्जेक्ट के वीडियोज हो गए कंप्लीट, हमारा इरादा सभी सब्जेक्ट का, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, नेगोशिएबल, कंपनी लॉ, कॉन्स्टी, एडमिन लॉ, टीपीए, ट्रस्ट, इक्विटी, जुरिसप्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, जितने लॉ सब्जेक्ट हैं, हमारी स्पीड, हमारी कैपेसिटी है वन वीडियो डेली, सारा दिन लग जाता है एक वीडियो में, कई सारे लोग मिलकर काम करते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। और हम लोगों ने मेंस पर्पस से ही ये बनाया है। मेंस पर्पस मीन्स कि अगर आपकी थोड़ी बहुत पहले से जानकारी है तो फिर इन वीडियो से आप अपने मेंस की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये वीडियोज मेंस के लिए कितनी हेल्पफुल हैं ये आप हमें ज़रूर बताएंगे। आपके बगैर सहयोग और समर्थन के कभी भी हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। आप ही लोगों के लिए बना रहे तो जरूर अपना सहयोग दीजिएगा। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और क्या भूलना नहीं है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो सके। Thanks for watching. See you again. Till then, bye-bye.